सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। और साथ ही आप मुझे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। हाय गाइस, सबको स्वागत है टीएनजी रिव्यूज में। आज करेंगे हम रिव्यू एक एवरेज डिवाइस का जो कि आपको आज के डेट में सिर्फ 4 दिनों के लिए एक कमाल की डील में मिल रहा है। ये डिवाइस हमारा पहले 14,000 रूपए का था, लेकिन अब आपको सिर्फ 7,500 रूपए में अवेलेबल है। और ये डिवाइस है हमारा वायु यूरेका 2। काफी लोग नहीं जानते होंगे कि वायु यूरेका 2 हमारा माइक्रोमैक्स का ब्रांड है, तो इसके अंदर आपको अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं हम इसका रिव्यू। नॉर्मली 7,500 रूपए के बजट में हमारे पास जो भी डिवाइसेस होते हैं वो बजट रेंज के डिवाइसेस होते हैं, उनके अंदर फीचर्स भी हमें काफी कम मिलते हैं। लेकिन अब आपको मिल रहा है एक फीचर वाला डिवाइस जिसके अंदर आपको काफी सारे बढ़िया बढ़िया फीचर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ये डिवाइस आपको सिर्फ 7,500 रूपए में मिल रहा है। तो ये एक गोल्डन डील है जिसको आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। इसके अंदर आपको 5.5 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है जिसके अंदर आपको Full HD रेजोल्यूशन मिलती है। आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले ब्राइट है, कलरफुल है, और जैसे कि मैंने एक वीडियो प्ले करी है इसके अंदर, तो वीडियो काफी क्लियर आ रही है। आप भी इसके अंदर वीडियोस को काफी एंजॉय करेंगे, गेम्स को काफी एंजॉय करेंगे, और साथ ही इसकी साउंड भी काफी ठीक आ रही है। नॉर्मली हमारे पास जो इस बजट में डिवाइसेस होते हैं 7,500 रूपए के बजट में, उनके अंदर हमें Full HD रेजोल्यूशन नहीं मिलता, लेकिन इस डिवाइस में आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। तो डिस्प्ले और साउंड के हिसाब से तो ये डिवाइस बढ़िया हो गया, लेकिन अभी इसमें काफी कुछ बाकी है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसेसर। इसके अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 625 का प्रोसेसर, जो कि आपको 7,500 में कभी नहीं मिला, किसी डिवाइस में नहीं मिला। तो इसके अंदर वो आपको मिलता है, बढ़िया प्रोसेसर है, इसके अंदर की गेमिंग बढ़िया चलेगी, आपको मल्टीटास्किंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी काम आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। इस रेंज में आपको ये बढ़िया प्रोसेसर मिल रहा है, बेझिझक सब कुछ करिए, वीडियोस देखिए, गेम्स खेलिए, जो मर्जी करिए, इस रेंज के अंदर ये बढ़िया परफॉर्मेंस देगा आपको। साथ ही इसके अंदर आपको एंड्रॉइड 7 मिलता है और उसके साथ 4GB RAM, 64GB इंटरनल मेमोरी। 4GB RAM भी हमें 10,000 रूपए के बजट में नहीं मिलती, लेकिन इसके अंदर आपको मिल रही है, वो भी सिर्फ 7,500 रूपए में। साथ ही अगर मैं इसके सेंसर्स की बात करूं तो आपको इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे सेंसर्स मिलते हैं। आपको मिलता है लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी, एक्सेलरोमीटर, जियोमैग्नेटिक सेंसर, गायरो सेंसर, और साथ ही आप इसके अंदर अपनी 4G सिम लगा सकते हैं, एक मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं 128GB तक का। हालांकि मेमोरी कार्ड के लिए आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, डेडिकेटेड नहीं मिलता, लेकिन साथ में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है। तो ओवरऑल डिवाइस तो काफी बढ़िया है, और साथ ही बैक साइड में आपको फिंगरप्रिंट लॉक भी मिलता है। आजकल नॉर्मली कई सारे डिवाइसेस हैं जिनके अंदर में फिंगरप्रिंट लॉक नहीं मिलता, सिर्फ फेस रिकॉग्निशन मिलता है। फिंगरप्रिंट लॉक ज्यादा सिक्योर लगता है मुझे, और इसके अंदर वो आपको बढ़िया वाला मिल रहा है। तो अभी तक के इसके फीचर्स की बात करें तो आपको डिस्प्ले बढ़िया मिल गया, प्रोसेसर बढ़िया मिल गया, लेकिन डिवाइस को एंजॉय करने के लिए उसके अंदर बैटरी भी बढ़िया मिलनी चाहिए। तो इसके अंदर आपको मिलती है लगभग 4000 mAh की बैटरी, जो कि आपके 5.5 इंच की स्क्रीन के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। एक दिन तो आपका आराम से निकल जाएगा, चाहे आप जैसे मर्जी यूज करें इस डिवाइस को। लेकिन इसमें भी एक बढ़िया ट्विस्ट आता है कि आपको इस डिवाइस के अंदर मिलता है Quick Charge 3। वो भी ये नहीं कि ये सिर्फ सपोर्ट करता हो, आपको बॉक्स के अंदर ही चार्जर मिलता है, जो कि आपके डिवाइस को बहुत ही जल्दी चार्ज कर देगा। नॉर्मली Quick Charge 3 हमें 10,000 रूपए तक के डिवाइसेज में नहीं मिलता, लेकिन अब आपको 7,500 रूपए में मिल रहा है। तो मतलब कि डिस्प्ले बढ़िया हो गया, प्रोसेसर बढ़िया हो गया, और उसको एंजॉय करने के लिए बैटरी भी बढ़िया हो गई, और साथ ही चार्जर भी बढ़िया हो गया। लेकिन इसके डिजाइन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं ये डिवाइस देखने में काफी बढ़िया नजर आ रहा है। इसके अंदर आपको एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है, फिनिश बहुत बढ़िया है इसके अंदर, और जैसे कि हमारे पास इसका शैंपेन गोल्ड कलर है, तो बैक साइड में जो इसकी फिनिश आ रही है गोल्ड में, वो बहुत ही ऑसम नजर आ रही है। क्वालिटी अच्छी लग रही है डिवाइस की, हाथ में आप इसको इजीली होल्ड कर सकते हैं, कॉर्नर्स एकदम राउंडेड मिलते हैं, फिनिश बढ़िया मिलती है आपको इसके अंदर। काफी लाइट वेट डिवाइस है, काफी बढ़िया क्वालिटी का डिवाइस है। 7,500 रूपए की रेंज में हमें इतनी अच्छी क्वालिटी का डिवाइस देखने को नहीं मिलता, लेकिन अब आपको ये मिल रहा है। अब आता है इसका अगला पॉइंट, जो कि है इसका कैमरा। बैक में हमें मिलता है 16 मेगापिक्सल का कैमरा, और फ्रंट में हमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा।
कैमरा में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे फीचर्स डाल दिए हैं, बहुत सारे मोड्स डाल दिए हैं, लेकिन आपको बेसिक रिक्वायरमेंट वाले मोड्स मिलते हैं। आपको HDR मोड मिलता है, पेनोरमा शॉट मिलता है, ब्यूटी मोड मिलता है, और देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि बैक कैमरा से इसकी पिक्स काफी अच्छी आई हैं, काफी कलरफुल हैं, ब्राइट हैं, काफी अच्छी क्वालिटी की पिक्स लग रही हैं। क्योंकि देखा जाए तो ये डिवाइस तो वैसे हमारे 14,000 रुपए की रेंज का है, आपको 7,500 रुपए में मिल रहा है। उस हिसाब से इसका कैमरा बढ़िया लगा मुझे। इवन इसका फ्रंट कैमरा अगर हम देखें तो उसकी पिक्स भी बहुत ही बढ़िया है। ब्यूटी मोड के साथ देखें या ब्यूटी मोड के बिना देखें, दोनों ही पिक्स मुझे काफी अच्छी लगी। ओवरऑल दोनों ही कैमरास बहुत ही बढ़िया रहे। तो ओवरऑल इस डिवाइस को अगर हम देखें तो बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। इसके अंदर आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है। डिस्प्ले अच्छा मिल गया, प्रोसेसर अच्छा मिल गया, बैटरी अच्छी मिल गई, कैमरा अच्छा मिल गया, सेंसर सारे मिल गए, मतलब जो आप बोलेंगे सब कुछ आपको इस डिवाइस में मिल रहा है। और कमाल की बात यह है कि ये डिवाइस आपको सिर्फ 7,500 रुपए में मिल जाएगा। तो अगर आप इस डिवाइस को लेना चाहते हैं तो फटाफट से ले लीजिए, क्योंकि 4 दिन के लिए सेल आई हुई है। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिल्कुल देना करें, ये एक गोल्डन डील है, फटाफट से ले ले इस डिवाइस को। और आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं जल्द वापस आऊंगी अभी वीडियोस के साथ, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।